अपने घर जाना है। हेलो एंड वेलकम बैक आवर चैनल टू वी ब्लॉग्स। तो गाइस हम भटकते भटकते आ चुके हैं मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क, जो कि कुतुब मीनार के ठीक साइड में स्थित है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पे दिखता है, कई सारे चीज दिखेंगे, बाकी भाई बताएगा। बाकी यहाँ पर आपको 100 से भी अधिक राष्ट्रीय स्मारक नजर आएंगे और यहाँ पर बनाया गया है, तो हम वही सब आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाएंगे। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो को जितना हो सके। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। 100 चीजें बनी हुई हैं, अब क्या क्या है वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि क्या बना हुआ है यहाँ पे। जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस भाई को कुछ दिख गया है, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या बना हुआ है। उत्तरी भवन का पेंट फट गया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फवारा बना हुआ है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में, पहला चीज जो हमें दिख रहा है। इसके अंदर तो चलकर देखते हैं ये है क्या चीज, क्या बला है ये आखिर। अरे ये तो रूम है। मिनी ओयो आपके लिए जारी है। विद ओपन रूम आपको खुलने का एहसास भी हुआ है, बस हमारे पास बंदे की कमी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई नहीं, तो आप लोग ढूंढेंगे इसके लिए। ये वाला रूम खुला है रे, डबल डोर के साथ। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है मेटकॉफ बोट हाउस, जो कि थॉमस मेटक्लिफ के द्वारा बनाया गया था। ये एक चौपड़ आकार का कमरा है और उसके सामने आपको एक तालाब नज़र आएगा। इसके जस्ट बाहर जैसे ये जा रहे हैं हम, सामने तालाब नज़र आएगा। जब वर्षा होती है तो यह पूरी तरीके से भर जाता है, और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर फवारे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ। और जब यहाँ पर वर्षा होती है और ये भरता है तो काफ़ी बेहद ही सुंदर। यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ रूम बनाए गए हैं। ओ माय गॉड, कबूतर कबूतरियों का रोमांस चल रहा है भैया इसके अंदर। और देख सकते हो कबूतर कबूतरियों का रोमांस। क्या क्या यहाँ पर, हेरिटेज साइट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, चेक पॉइंट है, पेड्रिक्स पाथ है, पता नहीं क्या क्या है। ये इतना बड़ा मैप है भाई, ऊपर चल रहे हैं। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है यार। इतना बड़ा, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां क्यों बना रखी है यहाँ, तैर के जाते हैं, रेंग के जाते हैं ऊपर। बच्चे का खेलने का जगह ये। नहीं बाइक, बाइक चढ़ाने का, बाइक चढ़ाने का। सामने ये कैफेटेरिया है, जाना है क्या? कैफेटेरिया है वो भाई, कैफेटेरिया में घुस के क्या खाएगा, गाली खाएगा ये। कहाँ 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 आगे कहाँ। हाँ हाँ कही, बढ़िया। मैगी बोलूं, क्या बोलूं, जो बोलना जो बोलना वो बोल। हेलो, मैं क्या मैं सुन पा रहा हूं। हेलो हेलो, मैं डार्लिंग पूजा बोल रही हूं। बड़ा हरामी हो बेटा।
सो गाइस ये देख सकते हो, ये है मोहम्मद कुली खां का मकबरा। बाकी अंदर चलकर देखते हैं। ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण मोहम्मद कुली खां के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसका नाम मोहम्मद कुली खां का मकबरा रखा गया था। बाकी इसके चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और इसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये वाले उर्दू में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पूरे चारों साइड में इसके लिखा हुआ है उर्दू में। और इसकी दीवारें काफ़ी मोटी मोटी बनाई गई हैं और यहाँ पर एक छोटा सा गुफा उसी तरीके का मिल रहा है देखने को, जो कि अंदर की ओर जाता है और अंदर जेल का एक गेट नज़र आ रहा है। बाकी अंदर चलकर देखते हैं कि मोहम्मद कुली खां के मकबरे के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। ये मोहम्मद कुली खां के अंदर का और सबसे ऊपर का व्यू देखने के लिए जीना दे रखा है। बाकी अंदर देख सकते हो काफी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। आओ तुम्हें तहखाने में डाला जाए। आइए तहखाने में डालेंगे तुमको अंदर। हमको छोड़ दो जनाब। अंदर से पूछ पूछ आवाज आ रही है भाई। वो है चमगादड़ अंदर बोल रहा है। अरे इसको देखो। और भाई कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं भाई? कुछ ये लग तो रहा है फैमिली पार्क, लेकिन ये मुझे लगता है कपल पार्क भी है। कैसे? ऐसे ऐसे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप कैमरा अगर घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। घुमाएंगे नहीं। कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे वो अपने बाबू से पूछ रहे हैं, मेरे बाबू ने ताना था ऐसा कुछ। और लेकिन फिर भी देखिए कितना अच्छा माहौल है, लोग फोटो खींच रहे हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है, सूरज डूबता हुआ, पार्क कितना अच्छा है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, मतलब देख लीजिए एकदम परफेक्ट। उधर दिखाइए, हमारे कैमरामैन से अपील करते हैं। ओके कैमरामैन आगे आइए। बच्चे मस्ती करते हुए देखिए, मतलब की फैमिली वाला माहौल भी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आने से एक चीज तो हमें पता चला, आर्कियोलॉजिकल पार्क सिर्फ नाम का ही है, बाकी यहाँ काम क्या है, लड़की और बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड जो भी हैं सब यहाँ पर आकर रील्स बनाना और मजे लेना। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। मतलब यहाँ पर जितने भी वो स्मारक बनाए गए हैं सबके सब अभी काम चल रहा है सबका, मतलब अभी सबका स्थिति बिल्कुल बेकार है, दिखा नहीं सकते हैं। बाकी जितना भी दिखाया है वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।